फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंजीनियर सतीश दुबे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम तो वर्ड ऑफ एजुकेशन था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने उसका नाम चेंज करके स्टडी विथ इंजीनियर सतीश दुबे रख दिया है। हम सब पढ़ रहे थे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसका आज हम सब पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता तो है ना, कोरोना की वजह से देश में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। घर पे रहिए, सीखते रहिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन का आज हम सब पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि कुछ दिक्कतों की वजह से मैं आप सबके बीच में कुछ दिन जो है उपस्थित नहीं रहा, उसकी वजह से मैं सॉरी आप सबसे कहना चाहता हूँ। एंड मैं कुछ बीमा जो है लेके आया हूँ आप सबके लिए, इम्पोर्टेंट्स, वो मैं आप सबके बीच आज बताऊंगा आप सबको। काफ़ी ज़्यादा तो बीमा मैं आप सबको बता ही चुका हूँ, बट जो है और ज़्यादा बीमा मैं आप सबको बता दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। बीमा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की अगर बीमा आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट आपको होना चाहिए, उस चीज का मात्रक आपको पता होना चाहिए। आप जिस चीज की बीमा फाइंड आउट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस चीज का मात्रक पता होना चाहिए। जब तक आपको उस चीज का मात्रक नहीं पता होगा, तब तक आप उस चीज की बीमा कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले उस चीज का मात्रक पता होना चाहिए। एंड मात्रक से पहले भी ये चीज हमने बताया था, क्या उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा तो आप मात्रक कैसे बताओगे ना। सूत्र आपको पता होगा, फिर मात्रक आपको पता होना चाहिए। एंड मात्रक से ही क्या होता है, बीमा फाइंड आउट आप कर सकते हो ना। तो जैसे संवेग होता है ना, संवेग, संवेग आपने नाम तो सुना ही होगा। संवेग, संवेग होता क्या है, डेफिनेशन में बता दूं आपको। संवेग ये होता है कि ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना जो है, संवेग को हम डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर होता है यम इंटू वी, यानी यम क्या होता है, मास इंटू ये होता है वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। यानी संवेग हमको ये बताता है कि अगर कोई भी बॉडी हमारी तरफ आ रही है तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे फ्रेंड्स, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका यम केजी मास है, सपोज दैट उसका यम केजी मास है, और वो यम वेग से आ रही है, यम मीटर पर सेकंड, वी मीटर पर सेकंड वेग से आ रही है, तो उसका अपना कुछ ना कुछ वेग होगा। तो जितना ज्यादा उसका मास होगा और सपोज दैट उसका कुछ ना कुछ अपना वेग होगा, तो संवेग हमको ये बताता है कि कोई भी बॉडी अगर हमारी तरफ आ रही है, उसका ज्यादा वेग है, ज्यादा मास है, तो उसको रोकना उतना ही ज्यादा क्या है, कठिन है। ठीक, तो हमको उधर ज्यादा उसमें नहीं जाना है, हमको बस क्या करना है, संवेग की बीमा जानना है और संवेग का सूत्र क्या होता है वो जानना है। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, हमको ये जानना है। एंड देन उसके बाद क्या हमको जानना है, मात्रक जानना, मात्रक हमको बताना है। ठीक, तो ये यम क्या होता है, मास, मास का मात्रक हमने बताया था केजी होता है ना, और ये वी क्या है, वेग है, वेग का मात्रक एमकेएस यानी एसआई पद्धति में हमने बताया था कि मीटर पर सेकंड होता है ना। तो ये भाई अपने पास संवेग का क्या आ गया, मात्रक आ गया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने पास, हम तो बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं। अगर आप इतने आराम से एग्जाम में करोगे तब तो हो गया काम, बहुत तेजी से करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, कुछ नहीं करना। अच्छा भैया, ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। अच्छा, ये वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना है, बीमा रखो, केजी का बीमा होता है यम, अच्छा, इनटू मीटर, मीटर यानी लेंथ है ना, इसकी बीमा हो गई है। उसके बाद अपॉन सेकंड यानी टाइम, इसकी बीमा हो गई टी। अच्छा, सबको एक साथ हमने रख दिया, एम एम ये टी है, ये ऊपर जाएगा तो ये टी की पावर माइनस वन हो जाएगा भैया, ये संवेग की बीमा आ गई। ये दो सेकंड का काम है, ये तो मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, इतना टाइम एग्जाम में आपके पास नहीं रहेगा। सो स्पीड बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आएगा, चुटकी में आएगा यार, आराम से आएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद दूसरे नंबर में मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा। नाम तो सुना होगा आपने, गतिज ऊर्जा। मैंने आपसे जो जो कहा है उससे ज्यादा आपको ध्यान ही नहीं देना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। जितना मैंने कहा है बस आप उस पर फोकस करो। सबसे आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूँ यार,
और मैं आज तक सबसे आसान भाषा में पढ़ना सीखा हूं और वही कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज मुझे आसान से आसान भाषा में समझ में आ जाए। ज्यादा किताबी ज्ञान मुझे नहीं पसंद है, समझ में ना आए यार क्या फायदा उससे, आसान से आसान भाषा में सीखो बस, यही मेरा मानना है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आपने पढ़ा होगा, हाफ एमवी स्क्वायर होता है। मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको, क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक सूत्र नहीं पता होगा आपको मात्रक नहीं पता होगा। सूत्र में तो राशि छिपी होती है और उस राशि से आपको मात्रक पता होगा और उस मात्रक से आप क्या कर दोगे, डायमेंशन फाइंड आउट कर दोगे। तो ये 1/2 क्या है? 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी मान नहीं होती। तो 1/2 को हम अभी छोड़ देते हैं, अभी उसको ध्यान ही नहीं देते। अपने पास क्या बच गया? अपने पास एमवी स्क्वायर बच गया। यम क्या है? मास है। मास का मात्रक क्या हो गया? केजी। इनटू वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। भैया ये मात्रक आ गया, आ गया मात्रक। कुछ नहीं करना है, बीमा खट से बनाओ। केजी है इसका मात्र, बीमा क्या हो गया? यम हो गया। अच्छा ये मीटर है, मीटर क्या है? अब इसमें किसी ना किसी चीज का लेंथ होगा, उसका बीमा क्या होता है? मैंने बताया था यम होता है, दूरी का बीमा यम होता है। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है? टाइम की बीमा है ना, सेकंड क्या है? टाइम का मात्रक है, उसकी बीमा क्या होगी? टी। स्क्वायर है, हमने स्क्वायर यहां पे रख दिया। अब बीमा में हमने बताया था कि मेन मेन मात्रक अपने पास कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, एक द्रव्यमान होता है, एक समय होता है, एक अपने पास क्या होती है? लंबाई होती है। तीन होती है। और बीमा में ये नियम होता है कि तीनों को एक साथ रखा जाता है। बस छोटी छोटी चीजें हैं, आप याद रखो। यहाँ पे तीनों देखो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये डिफरेंट है। तीनों को एक साथ ऐड कर दिया हमने, यन इसकी पावर 2 एंड टी, ये 2 नीचे है तो ऊपर आएगा -2। आ गया काइनेटिक एनर्जी की बीमा आ गई। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको, जबकि आप जानते हो कि हमको सर जी पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है। आपको ये पता था काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है, बट आपको ये नहीं पता पड़ रहा था कि सर इसकी बीमा इतनी होती है। बताओ आ तो गया, कहाँ दिक्कत आ गई थी? कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ना। चीजें करना सीखो ना, अपने अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। बस करना सीखो उसको, ट्राई तो करो कम से कम। देखो एक चीज और मैं बता दूं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, इन दोनों की जो बीमा होगी ना, इन दोनों की जो बीमा होगी ना, वो क्या होगी? सेम होगी। बस इतना याद रखना। कभी भी कोई तुमसे पूछे कि अच्छा ये बताओ मेरे को कि जो गतिज ऊर्जा है एंड जो स्थितिज ऊर्जा है, क्या दोनों की बीमा डिफरेंट होती है क्या? तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए नहीं, दोनों की बीमा क्या होती है? सेम होती है। ठीक, आगे मैं आपको बताता हूं, दाब की बीमा बताता हूं। दाब, दाब अंग्रेजी में इसका नाम है प्रेशर, उसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक, फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपको पता है फिर भी आप बीमा फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? देखो आपको पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, आराम से पता है आपको, आपको पता है ना प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की बीमा हम आपको बता चुके हैं पहले से, ये होता है MMP^-2। और एरिया की बीमा क्या रख दोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई अगर है तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसकी बीमा यम स्क्वायर हो गई। एक से ये कट गया तो ये क्या बचा? एम, और ये L^-1, T^-2, ये भी आ गया। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? बस सूत्र याद करो, कुछ नहीं है। उसके बाद देखो आवेग, आवेग, आवेग का भी नाम आपने सुना होगा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंपल्स। ठीक, तो आवेग बराबर होता क्या है?
सूत्र आपको याद होगा तो आ जाएगा, वो होता है फोर्स इंटू टाइम। आवेग बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। अब बार बार मैं इसकी बीमा आपको नहीं बताऊंगा, जब आप 10 बार कर चुके हो तो आपको इतना पता पड़ गया होगा कि इसकी जो बीमा होती है वो होती है mmt^-2, एंड जो समय है उसकी टाइम यानी उसकी बीमा हो गई टी। तो आपको पता है कि गुणा करते समय घाते क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो यहाँ इसकी पावर 1 है। अब जब -2 + 1 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ इसकी पावर -2, यहाँ इसकी पावर 1। तो जब -2 + 1 करोगे, अभी कितने बच्चे ऐसे हैं ना इंटर में पहुंच गए हैं, उनको यही नहीं पता कि -2 + 1 करोगे तो कितना आएगा। बहुत बच्चे ऐसे पड़े हैं उनको यही नहीं पता कि -2 + 1 करोगे तो कितना आएगा। वो भी मैं बता दूं, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा आपको। देखो, इसका मतलब ये होता है ना कि 1 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा। बस आप ऐसे समझो, -2 + 1 का मतलब ये होता है ना कि आप 1 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ। अगर आप छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आएगा? तो आप ऐसा करो, 2 में से 1 घटा दो तो आ गया 1, बट आप क्या कर रहे हो, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो ना, तो आप आगे साइन माइनस का कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम एम तो रहेगा, टी भी रहेगा, बस यहाँ साइन आगे माइनस आ गया तो आगे -1। ये किसकी बीमा आ गई? ये आवेग की बीमा आ गई। बताओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद आपने पृष्ठ तनाव तो नाम सुना होगा, ठीक। पृष्ठ तनाव यानी उसको कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। उसको डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। फिर वही चीज, पुरानी बात, मैंने क्या कहा कि सूत्र आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का सूत्र क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पे जो एरिया होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे फोर्स हो गया तो उसकी बीमा mmt - 2 हो गई ना, यहाँ पे एरिया जो है सिर्फ उसका मीटर में लिया जाएगा, वो सिर्फ एल हो गया। तो ये दोनों कट गए तो ये क्या हो गया, mt - 2 हो गया। यानी जो पृष्ठ तनाव की बीमा हो गई वो क्या हो गई, mt - 2 हो गई, ठीक। और देखो, एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। जी का नाम तो सुना होगा, जी तो देखा ही होगा। जी क्या है? ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना। आप कहोगे सर जी इसकी बीमा कैसे आएगी? फिर वही बात, आप सूत्र याद करो, मात्रक रखो, बीमा फाइंड आउट करो। देखो, आपने पढ़ा होगा F = g (m1, m2)/r². आपने ये पढ़ा है ना? हाँ सर जी, हमने पढ़ा है ये। आपने ये पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बट आपने पढ़ा होगा। आपने जहां पढ़ रहे हो कागज में या कोचिंग कहीं किए होंगे या सर ने कहीं पढ़ाया होगा, अभी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, बट आपने तो कहीं पढ़ा होगा ये। तो क्या करना है हमको, एफ तो फाइंड आउट कर चुके हैं, हमको मास की भी बीमा पता है, आर क्या है, डिस्टेंस है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ये मास की बीमा बताओ, तो आप हमको ऐसे बता दोगे सर ये हो गया। मैं पूछूं, अच्छा बेटा ये आर की बीमा बताओ, आर क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी बीमा आप सीधे एल बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस एफ की बीमा बताओ, तो वो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए mmt - 2। अब इसमें बचा क्या, जी बचा। मैं जी आपसे पूछ रहा हूं तो ये क्या करोगे, बटा 1 करोगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, F² = g (m1, m2), बट हमको क्या चाहिए, जी चाहिए। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, F² / m1, m2। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब बीमा रखो, यफ क्या है, फोर्स है, फोर्स की बीमा क्या होती है, mmt - 2, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्या है, मैंने बताया था डिस्टेंस है, उसकी बीमा क्या होती है, एम, पावर 2 है तो हमने 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
नीचे आ जाओ, M1 M2 दो बार है, तो यम हमने दो बार रख दिया, एक बार यहाँ यम इंटू एक बार यहाँ यम, तो इस एक यम से एक यम कट गया, ठीक। और यहां देखो एक घात इसकी और दो घात इसकी, तो ये जुड़ के तीन घात हो गया, और यम की एक घात यहां थी तो वो ऊपर जाके माइनस में हो गई, तो यम की घात है -1 और यहाँ पे यम की घात है 3 और टी की घात है -2। ये किसकी बीमा हो गई, ये जी की बीमा हो गई, यानी ये गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है जी, उसकी बीमा क्या हो गई, यम की पावर -1, यम की पावर 3 एंड टी की पावर -2, ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये सब एकदम। अब देखो आपने जड़त्व तो आघूर्ण का नाम सुना होगा, जड़त्व तो आघूर्ण का नाम सुना होगा, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। वो क्या होता है, उसका सूत्र होता है EMR स्क्वायर। उसका सूत्र क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं आई से, और वो क्या होता है यम आर स्क्वायर, ठीक। यम क्या होता है, मास होता है, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक, या रेडियस भी कह सकते हैं उसको, ठीक। रेडियस में डिस्टेंस ही तो होती है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, ये केजी हो गया, ठीक, ये मीटर में कह सकते हो, मीटर स्क्वायर हो गया, ये तो भैया मात्रक हो गया, बीमा रख दो, तो ये हो गया एम, ये हो गया एल की पावर 2, तो ये हो गया किसकी बीमा, ये हो गई जड़त्व आघूर्ण की बीमा। देखो कितनी स्पीड में मैं अभी तक देखो कितनी बीमा बता दिया आपको, कुछ नहीं करना है, बस आप प्रैक्टिस करो, जितना मैं बताऊं उतना कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रैक्टिस करो। देखो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग का सूत्र आपको पता होगा, वो क्या होता है, कोण बटा समय, ठीक। कोण की तो कोई बीमा होती नहीं है ना, तो उसको हम एल की पावर 0 कह सकते हैं, समय, समय की बीमा होती है टी, तो इसकी जब किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1, ये टी है तो टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1। ऐसे कह दो तब भी सही है, नहीं तो ऐसे कह दो यम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन सिर्फ ये है तो आप इस पे टिक कर दो, अदरवाइज ऑप्शन में अगर ये है तो आप इस पे टिक कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, कोई बात नहीं है इसमें। देखो शक्ति की बताता हूं ना, शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, पी, शक्ति को डिनोट करते हैं पी से, इसका मात्रक होता है वाट, ठीक, तो यह होता है कार्य बटा समय, शक्ति होता है कार्य बटा समय, ठीक। अब कार्य बराबर हमने पढ़ाया था आपको, यह होता है बल गुणे विस्थापन, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए तो आ गया, बटा समय तो रहेगा ही। इसकी बीमा आपको अब तक याद हो गई होगी, एम एल टी की पावर -2, विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है एक तरीके से, एंड टाइम की बीमा हो गई टी, ठीक, कोई बात नहीं, तो इसको एक साथ कर दो, इसकी एक घात, इसकी एक घात, तो यम तो रहेगा ही, इसकी दो घात हो गई, और इसकी एक घात ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, तो ये टी की -3 घात हो गई, ये भैया आ गई किसकी बीमा, ये आ गई शक्ति की बीमा, ये शक्ति की बीमा आ गई, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेग प्रवणता क्या होता है, वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा दूरी। देखो जैसे मैंने आपको बताया था
कि जो क्या त्वरण होता है अपना वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसी के जैसा वेग प्रवणता होता है। क्योंकि जब वेग में परिवर्तन होगा तो किसके सापेक्ष देखा जाएगा, वो अपना दूरी के सापेक्ष देखा जाएगा। वेग में परिवर्तन जो होगा अपना वो किसके सापेक्ष देखा जाएगा, वो दूरी के सापेक्ष देखा जाएगा। तो वेग में परिवर्तन जो होगा, जैसे मानो अपना v माइनस u हो गया, ठीक, जो भी हुआ, तो मेन चीज अपने को क्या देखना है, मात्रक देखना है। तो ये अपना किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा ना, मीटर पर सेकंड में होगा। दूरी अपना किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया मीटर अपान मीटर इंटू सेकेंड, ये हो गया 1/सेकेंड, ये हो गया t की पावर -1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां से। उसके बाद सब तो हो ही गया है, अभी तो बचा नहीं है। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, वेग बराबर अंडर रूट दाब बटा एक्स, ठीक, वेग बराबर अंडर रूट दाब बटा एक्स, तो एक्स की विमा आपको बतानी है। तो क्या करना है, एक्स की विमा आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था 2021, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में, कि वेग बराबर दिया हुआ है अंडर रूट दाब बटा एक्स, तो आपको एक्स की विमा बतानी है। आप कमेंट में बताइएगा मेरे को, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेग स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा दाब बटा एक्स। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक्स चाहिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दाब बटा वेग का स्क्वायर। बस अभी मैंने बताया था, दाब को डिनोट करते हैं पी से, और ये किसके बराबर होता है, एफ बाई ए, ठीक। और यहां से वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बस अभी आपको एफ की विमा पता है, एरिया का पता है, मीटर पर सेकंड का पता है, आप इसमें रख दो, ये आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बताओ। दूसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रकाश वर्ष की विमा बताओ, बताओ प्रकाश वर्ष की विमा बताओ। अब आप समझ ही नहीं पाओगे, करे सर ये प्रकाश वर्ष क्या, इसकी विमा क्या। अरे आपको पता है ना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, वो भी सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक है। तो जब इसमें एक वर्ड ऐड हो गया दूरी, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब जाने दो, अभी अभी किसी पे ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो ना कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का बड़ा मात्रक है। तो जब दूरी का मात्रक है तो दूरी क्या होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। लेंथ ही तो होती है ना, तो उसकी विमा हो गई है, यानी प्रकाश वर्ष की विमा क्या हो गई, एल। बस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर 0 एल टी की पावर 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे तुम्हारी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि ए प्लस बी बराबर कितना है, सी है, ठीक। और यहां पे, यहां ए एंड सी प्रत्येक की विमा, प्रत्येक की विमा कितनी है, एम एन की पावर -1 टी की पावर -2 है, टी की पावर कितनी है, -2 है। तो बी की विमा आपको बतानी है, ठीक। ये क्वेश्चन था आपने पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।
ए प्लस बी बराबर सी है, और यहाँ पे ए और सी यानी सबकी बीमा क्या है, सेम है, ए और सी दोनों की बीमा सेम है, तो आपको बी की बीमा बतानी है। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर अपने पास ए प्लस बी बराबर सी है, ये कैसे पॉसिबल है मैथमेटिकली, ये कैसे पॉसिबल है, या अगर अपने दैनिक जीवन में देखें तो ये कैसे संभव है, दो आदमी एक दूसरे के साथ ऐड कैसे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है उनकी खूबी जो होगी एक दूसरे के साथ मैच कर रही होगी ना, तभी तो वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे ना, अन्यथा थोड़ी रह पाएंगे वो। जब इनका व्यवहार इनके व्यवहार से मैच करेगा, इनका व्यवहार इनके व्यवहार से मैच करेगा, इनकी सोच इनके सोच से मैच करेगी, ये एक दूसरे को समझ रहे होंगे, ये इनके इनको समझेंगे, ये इनको समझेंगे, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को समझ पाए होंगे ना, तभी तो रहेंगे साथ में। तो सेम चीज यहाँ पे भी है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड है ना, तो सेम प्रॉपर्टी लग रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या है, उसी बेस पे यहाँ पे बी की बीमा वही होगी जो ए की बीमा होगी। यहाँ पे क्या होगी, जो बी की बीमा होगी वही ए की भी बीमा होगी, तो कितनी हो जाएगी, एम एन की पावर -1 टी की पावर -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐड है, सेम प्रॉपर्टी रख रहे हैं, तो बी की बीमा भी वही हो जाएगी जो ए की बीमा है। ठीक, और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का, वो आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है, किसके बराबर होती है। ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन है 9.46 × 10^10 किलोमीटर, एंड सेकेंड ऑप्शन है 9.46 × 10^12 किलोमीटर, एंड थर्ड ऑप्शन है 9.46 × 10^12 मीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है 9.46 × 10^15 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है ये चीज, ठीक, ये आज की डेट, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 9.46 × 10^12 किलोमीटर के बराबर होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो किसके बराबर होगी, 9.46 × 10^12 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का आप आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो आप सब एक काम करते हो यार, कि देखते तो हो बट उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती होगी, मैं इतने आसान भाषा में आपको पढ़ाता हूँ और आप उसको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप उसको समझते नहीं होगे, आप उसको समझते भी होगे बट आप उसको देख के अनदेखा करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो आप ऐसा ना करो, आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।